आइए दोस्तों फिर उस सजा से निकल कर, क्योंकि हम जिस माशरे में जीते हैं समाज की भी बात होती है, हम हमारे बीच मोहब्बतों का भी जिक्र होगा, लतीफे भी होंगे। आइए फिर उसी सजा में तक हम कदम रखते हैं। अभी ये उस शायर का मकाम नहीं है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है, इज्जत माँ रामेश्वर निखरा साहब को उन्हें खसूसी तौर पर सुनना है। वो शायर जिसे पूरी कायनाते अदब भोपाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है, उसके बारे में बहुत देर तक तकरीर करने से बेहतर है उन्हें चार मिसरों के साथ दावत कलाम दी जाए कि आग किसने यहाँ लगाई है, आग किसने यहाँ लगाई है मेरे नगमों पे आँच आई है, आग किसने यहाँ लगाई है मेरे नगमों पे आँच आई है, वो यहाँ से अगर नहीं गुजरा फिर ये खुशबू कहाँ से आई है। कौमी यकजहती की खुशबू, मोहब्बती की मोहब्बतों की खुशबू अपने दामन में लेकर माइक्रोफोन पर आलमी शोहरत याफ्ता जनाबे मंजर भोपाली साहब पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जहां जहां तक हजरत तशरीफ रखते हैं। हजरात बहुत बहुत मुबारकबाद अहले जबलपुर को और ख़ास तौर से सरदार हामिद हुसैन साहब को कि उर्दू का ये खूबसूरत जश्न आज आप लोग मुनक़िद कर रहे हैं जिसमें हम लोग सब शरीक हैं। बहुत मुशायरे बहुत से मुशायरों में जबलपुर हाजिर हुआ हूँ, बहुत छोटा था जब से आ रहा हूँ, अब तो बूढ़ों की सब में आ गया। अनवर बाबू साहब यहाँ मौजूद थे, मैं उनसे पूछ रहा था फला शायर कहाँ हैं, फला शायर कहाँ है, वो सब का इंतकाल हो गया बता रहे थे। तो मैं सोच रहा था दो चार साल की बात है फिर क्या शायद ये आवाज़ें भी बंद हो जाएंगी। ये जश्न जो रुखसार बलरामपुरी साहिबा के एजाज में आप लोगों ने मुनक़िद किया है, हमारी नई पीढ़ी की हौसला अफजाई का एक नया नमूना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ रुखसार को भी और आप सबको कि आने वाली नस्लें अगर मेहनत करके आएंगी तो इनसे आगे और भी जश्न होंगे और लोग इसी तरह उनको नवाजते रहेंगे। आली मर्तबा जनाब रामेश्वर निखरा साहब आपके शहर के हैं, ये मुझे आज पता चला कि रामेश्वर निखरा साहब का ताल्लुक़ जबलपुर से है। मैं तो हमेशा उन्हें भोपाली समझता था क्योंकि वे इतने रहते हैं भोपाल में, हमारे दिलों में बसते हैं भोपाल वालों के। ये वाहिद शख्सियत है मध्य प्रदेश की जो लोगों के दिलों में बराबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी इज्जत और पजीराई करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि कांग्रेस में अभी अच्छे और शरीफ लोग मौजूद हैं निखरा साहब की शक्ल में, और बहुत बड़ी बात है वरना कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं क्या हो चुका है, मगर अभी भी वक्त है निखरा जैसे लोगों को अगर हम सामने लाएंगे तो कांग्रेस का चेहरा फिर बदल सकता है। मैं इस यकीन के साथ पूरी उम्मीद के साथ तमाम कांग्रेसी साथियों से उम्मीद करता हूं कि पूरे वलवले और पूरे जोश के साथ अभी से उठ खड़े हों तभी आप कुछ काम कर सकते हैं। एक मतला और एक शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूं समात मईगा ये मतला समात मईगा के हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है, हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी, हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है, पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया है, पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया है। वो शेर देखिए हजरात के बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना, बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना, शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है, शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है, बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना,
शजर अंदर ही अंदर ज़ाफ़रानी हो गया है। हज़ाते के मतलब दो शेर बिल्कुल ताज़ा पेश कर रहा हूँ, समातमाएगा समातमाए। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। कितनी खूबी से गले काट रहा है कोई, कितनी खूबी से गले काट रहा है कोई, देखने वालों को चतराई नजर आती है, देखने वालों को चतराई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। और शेर देखिए रात जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, बड़ा तुम टाफी तुम लाए दो लाए दो लाए दो लाए दो लाए दो इधर आ इधर आ हेलो हेलो हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस ऑल इंडिया मुशायरे में हमारे शहर जबलपुर के एडिशनल एसपी आदरणीय गुरु प्रसाद परासर साहब और आशीष खरे जी भी हमारे इस मुशायरे में तशरीफ लाए। जोरदार तालियों के साथ हमारे नौजवान और जवान हमारे ऐसे साथी संजय साहू साहब भी हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी साहब तशरीफ लाए। हम तमाम लोग दिल की गहराइयों से इन तमाम अधिकारियों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जनाब बंजर भोपाली साहब, सरदार हामिद हसन साहब, आली जनाब गुरु प्रसाद परासर जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसके बाद आली जनाब सरदार हामिद हसन साहब आशीष खरे साहब जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हजरात हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी संजय साहू जी का भी इस्तकबाल हमारे जनाब सरदार हामिद हसन साहब कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हजरात आइए दोस्तों, एक बार फिर आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, हमारे दिलों की धड़कन आली जनाब मंजर भोपाली साहब माइक्रोफोन पर। मैं चाहता हूं मंजर साहब ये गजल पिछले दो से फिर से पढ़ी जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, मतलब वाह। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है,
उसके जुल्मों में मसीहाई नजरें आती हैं, उसके जुल्मों में मसीहाई नजरें आती हैं। तुम कनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम कनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। अरे वाह 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 वाह। हमारी इस खूबसूरत महफिल में डॉक्टर आलोक चंदसूरिया साहब भी तशरीफ रखते हैं, जनाब झल्लेलाल जैन साहब भी, यकीन जानिए जनाब मंजर भोपाली साहब की गजल का वो जादू कि शहर जबलपुर का एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सियासी शख्सियत से लेकर तमाम वो लोग यहाँ पर एक के बाद एक हाजिर होते जा रहे हैं। सबका इस खूबसूरत महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, जिसका नाम है एक शाम रुखसार बलरामपुरी के नाम। माइक्रोफोन पर जनाब मंजर भोपाली साहब। हजरती एक मतला और एक शेर, और अब मेरी गुजारिश है कि जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं उनका इस्तकबाल शायर के पढ़ने के बाद करें तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि वो मुशायरे में कुछ बन नहीं पाएगा इस तरह से। जो भी आए, और हम सभी इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमानों का कि वो बड़ी मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हामिद साहब, सरदार हामिद साहब के मोहब्बतों के तुफेल में हम सब को सुनने के लिए वो हाजिर तशरीफ लेके आए हैं। मैं एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त सुनिएगा। वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते, वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते, वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते, इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते, इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। वादे ही वादे उन्हीं वादों पे फिर से वादे, वादे ही वादे उन्हीं वादों पे फिर से वादे। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते, अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए, अब है शर्मिंदा के क्यों अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए। पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते, पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते, पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते। आजाद एक मतला और दो शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त सुनिएगा। भैया अभी चाय मत पिलाइएगा, क्योंकि चाय वाला कोई आएगा तो उसके लिए दुआएं करना पड़ेंगी, और उसका मुस्तकबिल भी कहीं और चला जाएगा। आप बराए करम जब तक मैं पढ़ूं तो चाय वाले को मत आने दीजिएगा यहाँ पर, चाय वाले से बहुत परेशान हो गए लोग, पूरे देश के लोग। तो समाप्त सुनाइएगा एक मतला दो शेर और समाप्त सुनाए। ला फरमाए मतला समा समाएगा इरशाद।
प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। आजाद ये शेर में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। न जाने क्यों शाहरुख खान और आमिर खान को डर लग रहा है इस मुल्क में, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो लोग डर रहे हैं तो मेरे घर आ जाएं, मैं उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हूँ। इस मुल्क में कोई किसी से नहीं डरता, हमारे हिंदू भाई और सिख भाई, ईसाई भाई और मुसलमान सब एक गुलदस्ते की तरह है। अगर एक गुलदस्ते का एक फूल भी कम हो जाएगा तो ये मुल्क बदरंग हो जाएगा। और ये रंग जो आपके कायनात में इस मुल्क में नजर आ रहे हैं, एक रंग कम हो जाएगा। तो इस मुल्क में सब मोहब्बत करने वाले लोग ही रह सकते हैं, जो मोहब्बत करेगा वो रहेगा, जो डरेगा वो जाएगा यहाँ से। तो मेरा ये मतला फिर से सुना रहा हूँ, फिर वो शेर सुनाऊंगा। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। अब शेर देखिए आप। हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चरा, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चरा, आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर ले, आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर ले। आजाद, अब मैं दो शेर, एक बिल्कुल नई गजल के और एक गजल और मैं आपकी खिदमत में बिल्कुल ताज़ा पेश करूंगा, क्योंकि जबलपुर में अगर किसी शेर को नवाज दिया जाता है तो मेरा मानना यह है कि एक शेर मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो भी जबलपुर में पढ़ा था, पूरी दुनिया ने उसमें उसे नवाजा शेरों से। तो दो शेर मैं आपकी खिदमत, दो गजलों के दो दो तीन तीन शेर पेश कर रहा हूँ। पहला मतला समाप्त मनाएगा, अता कीजिए। ये जो आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ कॉर्नर से, ये उनकी नज़र है कि कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ें हमें खौफजदा करेंगी। हम खौफजदा होंगे ही नहीं, क्योंकि हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें कितनी आवाज़ें दीजिए, पत्थर मारिए, गोली मारिए, रहेंगे हम यहीं पर, ये हमारे मुल्क है, ये हमारी ज़मीन है। तो ये उन लोगों की नज़र है, समात फरमाइए। महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है, महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है, सुनो यजीद मुकद्दर बदल भी सकता है, सुनो यजीद मुकद्दर बदल भी सकता है, ये मशवरा है कि हमको हकीर मत समझो, मशवरे का जवाब नहीं, ये मशवरा है कि हमको हकीर मत समझो, के ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है, के ताकतों का ये महवर बदल भी सकता है, खामोश रहने का मफहूम बुजदिली न समझे,
خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ دوستو پورا مجمع استقبال کر رہے بندہ صاحب کے شعر کے لیے واہ 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 خاموش رہنے کا مفہوم طاقتوں کا یہ محور بدل بھی سکتا ہے خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھے خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ مزاج اپنا سمندر بدل مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھے خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے ہمیشہ چلتا رہا ہے یہ حق کی گردن پر ہمیشہ چلتا رہا ہے یہ حق کی گردن پر غلط ہے لے جائے خنجر بدل سکتا ہے غلط ہے لے جائے خنجر بدل بھی سکتا ہے اور ذات اسی طرح کی ایک غزل کے دو تین شعر اور پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمائیے گا یہ بالکل پہلی بار کسی مشاعرے میں یہ غزل پڑھ رہا ہوں اور دیکھیے اتفاق کی بات دیکھیے آج ہم آپ کی بزم میں حاضر ہیں سردار صاحب کی اور کل ہم کیجریوال صاحب کے سامنے یہ شعر سنا رہے تھے ہمارے محترم جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی جو اردو اکیڈمی دلی کے چیئرمین ہیں انہوں نے ایک مشاعرہ دلی ودھان سبھا میں منعقد کیا تھا جس میں کیجریوال اور منیش سسودیا کمار وشواس سبھی لوگ تھے تو وہاں بھی وہ انجوائے کر رہے تھے اچھے شعروں پہ وہ بھی داد دے رہے تھے اور اچھے شعروں پہ یہاں بھی داد دے رہے تھے وہ اس وقت سی ایم ایم نہیں تھے وہ ہمارے جیسے عام آدمی تھے لہٰذا فرمائیے گا اب میں ایک غزل نیکرا صاحب پیش کر رہا ہوں جو پہلی بار جبل پور میں پڑھوں گا سماعت فرمائیے گا مطلع سماعت فرمائیے گا جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں اور یہ اپنے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا مطلب پھر بات سمجھ آ رہی واہ واہ دیکھیے حضرات یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے میں چار بار انسولین لیتا ہوں اور یہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ تک زیادہ سے زیادہ شعر پہنچائے لہذا فرمائیے گا جمیل بھائی کا حکم ہے تو پڑھ دیتا ہوں جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں واہ 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 جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں اور یہ شعر دیکھیے حضرات بنے گا دوست تو دریا میں راستہ کیسے بنے گا دوست تو دریا میں راستہ کیسے بنے گا دوست تو دریا میں راستہ
रास्ता कैसे तुम्हारे पास, तुम्हारा आशा तो है ही नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। आजाद जिस शेर के लिए मैंने ये गजल आपकी खिदमत में पेश की, जिस शेर के लिए ये गजल मैंने कही हजरत, अब वो शेर आपकी नजर करना। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। और ये शेर जिसके लिए मैंने गजल कही हजरत समाप्त मईगा, ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। मैं मानता हूं कि ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो, मैं मानता हूं कि ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है नहीं। मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं। आखिर में हज़रात एक मुझे गजल के दो तीन शेर के लिए हुक्म है, हालांकि आप तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद में एक छोटा सा गीत और फिर इजाजत चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से शायर मौजूद हैं। तो ये एक मतलब दो शेर आप पढ़वाओ। अमीन भाई मैं पढ़ ही रहा हूँ, आपका हुक्म आपने बुलाया है तो मैं पूरा इंशाल्लाह ताला जब तक आप कहेंगे जब तक मैं पढ़ता रहूँगा। मगर यहाँ बहुत से हमारे शायर मौजूद हैं, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, दोबारा फिर पढ़ दूंगा इंशाल्लाह ताला अगर आप हुक्म देंगे तो। ये मतलब दो शेर समाप्त में देखिए, शायद किसी पप्पू भाई। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। और ये शेर देखिए हजरात, यहाँ निकरा साहब और हमारे एस पी साहब वगैरह मौजूद हैं, मैं उनको बताऊं कि मक्के से मदीने का फासला तकरीबन 400-450 किलोमीटर दूर है, मक्के में अल्लाह का घर है और मदीने में हमारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, का मदार शरीफ है, लाजा फन में रोज़ा है। ये शेर समाप्त होगा कि इश्क के ऊपर बहुत से शेर आपने सुने होंगे, मगर ये शेर आपकी नज़र करना समाप्त होगा।
फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। एक मतला दो शेर और आपकी नजर कर रहा हूँ। देखिए दुनिया ने बहुत तरक्की करी, आज हम आसमानों पे पहुंच गए, अरे खलाओं में पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, मगर 1400 साल पहले जहां हम पहुंचे थे ये दुनिया कयामत तक वहां नहीं पहुंच सकी। बेशक ये सबूत, मेरा ये शेर आपकी नजर करता हूँ, देखिए बिल्कुल अगर ये सच्चा शेर है तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा, मतला है मुलाजा फरमाइएगा। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुंचे, चांद तलक हम तो खुदा तक पहुंचे, हुस्न दुनिया की हर की शय में बहुत है लेकिन, हुस्न दुनिया की हर एक शय में, हुस्न दुनिया की हर की शय में बहुत है लेकिन, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुंचे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुंचे। हजरत मुझे एक मतलब दो शेर के लिए हुक्म है, हालांकि ये बहुत पुरानी गजल है मगर हुक्म है, इसलिए तामिल हुक्म में ये गजल के दो शेर तीन शेर मुलाजा फरमाएं। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत पहले की है, सुना जी, मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह। ये एक दो शेर बतौर खास, देखिए आज क्या हालात हैं हमारे मुल्क के, न जाने क्या हो गया इस मुल्क को, अब दुनिया की नज़रों में हम खटकने लगे हिंदुस्तान के लोग, दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान फिर वहीं आ जाए जो पिछले 20 साल पहले था। हिंदुस्तान ने जो तरक्की करी है आस पड़ोस के किसी मुल्क ने इतनी तरक्की नहीं करी है, क्योंकि मैं पूरी आधी दुनिया में घूम रहा हूं। और अब ये अगर हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क को किस राह पे लेके जाएं। मुलाजा फरमाइएगा। अता की हुजूर बंद करो खेलिए मदारी का, हुजूर बंद करो खेलिए मदारी का, गुरूर तुम कनल गुरूर तुम को नल डूबे शहरियारी का, गुरूर तुमको नल डूबे शहरियारी का, गुजर चुका है जमाना वो इंकिसारी का, गुजर चुका है, गुजर चुका है जमाना वो इंकिसारी का, के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का, के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का, हम एहतराम मोहब्बत में सर झुकाते हैं,
बेशक हम है तेरा में मोहब्बत में सर झुकाते हैं, गलत निकाल न मफहूम खाक सारी का, गलत निकालना मफहूम खाक सारी का, सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं, सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं, सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं, वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्म सारी का, वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्म सारी का। और आखिरी शेर तमात्मा दाद, वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी, अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। आजाद आखिर में एक गीत के दोस्तों, जब कोई शेर बहुत अच्छा लगता है तो पुरजोर तालियां बजाकर कहा जाता है कि एक बार और। वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। आजाद एक गीत में आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, कौमी यकजहती के सिलसिले का मेरा ये गीत है, और मेरा मानना यह है कि ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, मगर न जाने ये कहाँ से हमारे बीच कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमारे दरमियान नफरतें पैदा कर देते हैं, इनके मसले हल हो जाएं यार। और मगर हम सिर्फ प्यार करने वालों, ये मुल्क ही प्यार करने वालों का है, यहाँ अगर परिंदा भी बोलता है तो प्यार की जबान बोलता है। अब मेरा ये गीत सुनिएगा, आपकी नजर है, या हमारे मोहतरम अधिकारी हजरात एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब भी तशरीफ फरमा है, ये गीत समाप्त होगा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बंदे के ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये किसने शूल बो दिए। बंदे के हजरात शायद किसी लायक हो,
ये किसने शूल बो दिए, ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती खाजा का मस्कन, इसी ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती खाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती खाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सब ये इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। आखिर में एक गीत और मैं पेश करके इजाजत चाहता हूँ हजरात, मैं भी थक गया अब कंटिन्यू कई दिनों से मुशायरों में कभी सम्मेलन में है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करो थोड़ा सा। देखिए ये गीत मैंने गंगा को अलामत बनाकर, गंगा को प्रतीक बनाकर ये गीत आज कई साल पहले कहा था। मेरा मानना यह है कि गंगा हमारी शान है, हमारे हिंदुस्तान की शान है और हमारी जान है। हम गंगा के बगैर अधूरे हैं और गंगा के बगैर हिंदुस्तान भी अधूरा है। गंगा की सफाई कई सालों से, कई वर्षों से हो रही है मगर गंगा साफ नहीं होती। मेरा मानना यह है कि कोई भी दरिया कभी भी एक हाथ से साफ नहीं हो सकता। अगर एक किनारे पे हिंदू भाई सफाई में लगे हैं और दूसरे किनारे पे हम मुसलमान जाकर गंगा की सफाई में जुट जाएं, तो गंगा की सफाई चंद ही दिनों में हो सकती है। और ये ज़रूरी है कि दरिया किसी मज़हब का नहीं होता, किसी ज़ात का नहीं होता, पानी सबके लिए होता है, रोशनी सबके लिए होती है। मेरा ये गीत है, कौमी यकजहती का गीत है, मुलाज़ा फरमाइएगा। तुम भी पियो प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये जमी तुम्हारी है, ये जमी हमारी है, तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये जमी तुम्हारी है, ये जमी हमारी है, होलियों के रंगों सी, ईद की सेवैयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों इस जमीन पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। आजादी बंद देखिए, शायद किसी लायक हो, लाजा फरमाइए। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में।
हजाते बंदे किए। हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। हिंदुस्तान की सरहद से एक कदम उधर जाते हैं तो हमारी पहचान, हमारी शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में होती है। मेरा ये बंद देखिएगा, हजरात समाप्त फरमाएं, संभाल के खिलाना नहीं तो कल अंदर भी चले जाओगे, कभी गड़बड़ हो गई तबीयत तो साहब की। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। बंद देखिए हजरात, कश्मीर वाले हूँ, दिल्ली के जियाले हूँ, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हो गोरे हो या काले, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद है हजरात, आफ्ताब माने सूरज के और महताब माने चांद के होते हैं। देखिए हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं बेटा, तरह दो मिनट के लिए, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हम बंटवारा जमीन पे कर सकते हैं, मगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका हम पूरी ताकत पूरी शक्ति लगाकर भी बंटवारा नहीं कर सकते। आखिरी बन समाप्त मईगा, आफताब किसका है, महताब किसका है, महताब सबका है, आफताब सबका है, आफताब किसका है, महताब किसका है, महताब सबका है, आफताब सबका है, ये हवाएं किसकी है, ये घटाएं किसकी है, ये घटाएं सबकी है, ये हवाएं सबकी हैं, किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे।